टू माई यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता ही है कि डीयू ने बता दिया कि वो अपनी कट ऑफ लिस्ट 2020 की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकालेंगे सेप्टेम्बर के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर। तो ये वाली वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो डीयू के अंदर अपना एडमिशन चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है ऑनलाइन आपकी कट ऑफ लिस्ट 2020 की कब आई है, कहां आई है, और कैसे आपको देखना है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा डीयू के अंदर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 कम ऑन। पहला स्टेप बहुत छोटा है, आपको गूगल पे जाना है एंड देन यू हैव टू टाइप डीयू, जस्ट डीयू। फिर आपको ये सर्च करना है, इसके बाद आप ऊपर को आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करना है ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, आपको यूजी प्रोग्राम जो यहाँ पर है वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको जैसे यहाँ पे और ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो कट ऑफ लिस्ट 2019, तो जब कट ऑफ लिस्ट 2020 की आएगी तो फिर वो चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिस्ट खोल के चेक करना है। जैसे मैं अभी आपको 2019 की लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 2019 की लिस्ट ऐसे खुल जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट, ये देखिए 8th कट ऑफ लिस्ट है, फर्स्ट एकदम नीचे मिलेगी आपको। ये मैं गया 6th आ गई, 4th आ गई, 5th आ गई और अब ये आएगी मेरे पास फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, प्रेस रिलीज, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, बीए प्रोग्राम। तो ये अलग अलग स्ट्रीम बताई गई है जिसके अंदर आप अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं, आपके परसेंटेज चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं बीए प्रोग्राम की, ये हमने किया डाउनलोड, तो ये हमारे सामने आ जाती है लिस्ट, उनके सारे परसेंट, उनके सारे कोर्सेज, हर कॉलेज जो कौन से कोर्स प्रोवाइड करता है और कौन से कट ऑफ वो लेगा। जैसे अगर हम यहाँ जूम करें तो मान लीजिए देखिए ये यहाँ पे टॉप मोस्ट अंदर आपको बता देगा कोर्सेज कैटेगरी जनरल ओबीसी जो भी है, और यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नाम जितने भी डीयू के कॉलेज हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोर्स करना है, मान लीजिए अगर मुझे बीए प्रोग्राम का इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स वाला कोर्स करना है, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये देखिए इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स वाला कोर्स और मेरी कैटेगरी है जनरल, तो फिर मैं यहाँ चेक करूँगा कौन सा कॉलेज मुझे जनरल कैटेगरी के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करता है। ये देखिए 86 कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट की, तो यहाँ पे मैंने देख लिया, अगर मान लीजिए मेरी कट ऑफ 87, 88, 89 या 90 या 90 से अब आई है तो इस कॉलेज के अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ और ये कॉलेज हमें प्रोवाइड हो जाएगा देशबंधु कॉलेज। ऐसे आपको अपने बाकी और जितने भी कोर्सेज हैं या कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट ऐसे आपको नॉर्मल तरीके से चेक करनी है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और एक चीज़ का ध्यान आप और रखें, मान लीजिए अगर आपकी परसेंट 86-85 मतलब जो इनकी लास्ट टू लास्ट कट ऑफ जा रही है फर्स्ट लिस्ट के अंदर उससे भी कम आती है तो आप घबराइए मत, आप सेकेंड लिस्ट के अंदर ट्राई करें, आप थर्ड लिस्ट के अंदर ट्राई करें, आपको ज़रूर अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। बस आप घबराए नहीं, आप रेगुलर एक लिस्ट पे चेक मारते रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो डीयू जाना चाहते हैं या डीयू जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।